नमस्ते, प्रेम निर्मल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्वर विज्ञान के चमत्कार के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने स्वरों के ऊपर दो वीडियोस अपलोड की है, आपने देखा होगा। आज के इस तीसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वर की सारी साधना आपको विष्णु मुद्रा में करनी है। नाड़ी ज्ञान कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको राइट हैंड से विष्णु मुद्रा करनी है, राइट थंब को राइट नॉसिल पे लगाना है। ऐसे दो चार बार श्वास लेनी है और छोड़नी है एक ही नस्कोरे से, और उसके अंदर कितना फ्रिक्शन हो रहा है, कितना फ्री फ्लोइंग हो रहा है, इसको महसूस करना है और ध्यान रखना है। इसके बाद में लेफ्ट नोस्टिल को बंद करना है रिंग फिंगर से टच करते हुए, और यही प्रक्रिया को राइट नोस्टिल से करना है। और इसमें कितना अवरोध है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्री फ्लोइंग है, इसको महसूस करना है। तो आप देखोगे कि जब भी आप कोई भी एक क्षण पे या तो लेफ्ट नोस्टिल में ज्यादा फ्रिक्शन होगा या तो राइट में ज्यादा होगा, तो जो नोस्टिल में फ्रिक्शन कम होता है, घर्षण कम होता है और फ्री फ्लोइंग होता है, उसको डोमिनेंट नोस्टिल कहते हैं। तो ये डोमिनेंट नाड़ी कौन सी है वो पहचानने की विधि जो है आपको विष्णु मुद्रा से ही करना है। और अगर नहीं समझता है डिफरेंस, तो उसके लिए आपको थोड़ा शांत होने के लिए पांचों उंगलियां साथ में रख के सुप्रशांत प्राणायाम करना है, जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको गहराई से बताया। सुप्रशांत प्राणायाम, सुप्रशांत प्राणायाम और विष्णु मुद्रा में नाड़ी ज्ञानम आपको समझ में आ गया, तो सिर्फ इतना करने से भी गजब का चमत्कार हो सकता है। जैसे कि आपको बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं, आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हो, अगर आपकी लेफ्ट नोस्टिल डोमिनेंट है उस वक्त पे, अगर आप साइन करते हो फॉर्म पे आपका अकाउंट खोलते हो, तो गजब की समृद्धि आती है। वैसे ही लेफ्ट नोस्टिल में कुआं खोदने की शुरुआत करती है तो पानी मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। हमारे खेडूत लोग जो बीज बोते हैं वो भी अगर लेफ्ट नोस्टिल में डोमिनेंस में बोएंगे तो बहुत अच्छी फसल आएगी। शास्त्र का अध्ययन करना है जो लंबा चलने वाला है, अगर वो लेफ्ट नोस्टिल डोमिनेंट में शुरुआत करेंगे तो शास्त्र का अध्ययन भी अच्छा होगा। लेफ्ट नोस्टिल डोमिनेंट होती है तो शरीर में ठंडक आती है, स्टेमिना पावर बढ़ता है। जो भी चीज लंबी चलने वाली होगी वो लेफ्ट नोस्टिल डोमिनेंस में शुरू करने से आपको गजब का फायदा होता है। लंबी मुसाफरी होगी, समंदर पार की मुसाफरी होगी, आप परदेश जा रहे हो पैसा कमाने के लिए, लेफ्ट नोस्टिल से लेफ्ट नोस्टिल डोमिनेंस में अगर लेफ्ट पैर घर से बाहर निकाल के आपने अपनी यात्रा शुरुआत की तो यात्रा में गजब की सफलता मिलेगी। प्यारे दोस्तों, स्वरयोग के ऐसे बहुत सारे चमत्कार जो है लोगों ने महसूस किया है, इसका प्रूफ है, बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे ये वैदिक काल से हिंदुस्तान में ये सारी बातें गांव-गांव में चली आ रही है। बहुत सारे लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इसके हिसाब से चलते हैं और जीवन में सफलता को पाते हैं। वैसे ही जब राइट नोस्टिल डोमिनेंस होती है वो सूर्य नाड़ी है, गर्माहट के लिए है, तो पत्थर फोड़ना हो, हार्डवर्क करना हो, जूडो कराटे खेलना हो, मार्शल आर्ट की आपको प्रैक्टिस करनी हो, तंत्र मंत्र विद्या की प्रैक्टिस करनी हो, किसी के साथ में फाइटिंग करना हो, किसी के ऊपर गुस्सा करना हो, ये सारी चीज़ें आप राइट नोस्टिल में करोगे तो इसमें ज़्यादा सक्सेस आता है। लेफ्ट नोस्टिल जो है चंद्र नाड़ी है, ठंडक आती है, लंबे समय तक स्टेमिना बढ़ाती है। राइट नोस्टिल जो है सूर्य नाड़ी है, शरीर में गर्माहट लाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के जो काम होते हैं जिसमें कि ज़्यादा ताकत लगती है लेकिन समय कम लगता है, ऐसी विधियां जो है सारी वो राइट नोस्टिल डोमिनेंस से करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर ये लेफ्ट नोस्टिल राइट नोस्टिल की बातें आपको समझ गई, इसका जो पूरा टेबल है कि लेफ्ट नोस्टिल डोमिनेंस में क्या करना चाहिए, क्या करने से ज़्यादा फायदा होता है,
राइट नोस्टल डोमिनेंस में क्या करने से ज़्यादा फायदा होता है, उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा टेबल मिल जाएगा और वो टेबल के हिसाब से आप अपनी बाकी की सारी बातें भी चेकअप कर सकते हो। दूसरा, जो हीलिंग मिरेकल्स होते हैं सूर्ययोग से, वो ऐसे है कि देखो, अगर बुखार आ गया इसका मतलब कि गर्माहट बढ़ गई। अगर आप राइट करवट पे सो जाते हो तो अपने आप लेफ्ट नोस्टिल चलेगी और ठंडक आएगी। मतलब कि स्वर विज्ञान का चमत्कार देखिए कि अगर बुखार उतारना है तो आप राइट करवट के ऊपर सो जाए, अपने आप ही ठंडक चालू हो जाएगी, चंद्रनाड़ी चलेगी और चंद्रनाड़ी चलने से बुखार उतर जाता है। दूसरी बात, आपको अगर सर्दी खांसी हुई है इसका मतलब कि चंद्रनाड़ी ज्यादा चल गई, इसकी वजह से सर्दी खांसी हुई है। अगर आपने बेडरूम में अपना एसी चालू कर दिया और अगर आप राइट करवट पे सो गए तो रात भर अगर चंद्रनाड़ी चल गई और एसी भी चालू है तो हो सकता है सवेरे सरदर्द होगा, सर्दी खांसी खोखला होगा। इसका स्वर योग में चमत्कारिक उपाय यह है कि आप आधा घंटा लेफ्ट करवट के ऊपर सो जाइए। लेफ्ट करवट पे सोएंगे तो आपकी राइट नोस्टिल चलेगी, सूर्य नाड़ी चलेगी, गर्माहट आ जाएगी, साइनस का प्रॉब्लम है निकल जाएगा, सर्दी खांसी है ठीक हो जाएगी। जैसे शरीर में गर्माहट आएगी तो आप सर्दी खांसी खोखले को भी ठीक कर सकते हैं, बुखार को भी उतार सकते हैं। और अगर पेट की तकलीफ है, जैसे कि समझो छोटा बच्चा है, टट्टी पेशाब नहीं हो रहा है, रो रहा है, आप जो भी करवट पे है उसको जैसा सिर्फ करवट बदल डालो। बहुत बार ऐसा होता है कि करवट बदलने से छोटे बच्चे का टट्टी पेशाब हो जाता है, पेट दुखना बंद हो जाता है, और बहुत आसान सा तरीका है। कभी आपको नहीं मालूम है कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सी नोस्टिल है, कोई बात नहीं, आपको अगर कोई चीज़ सफलता नहीं मिल रही है एक नोस्टिल में तो नोस्टिल बदल डालो। नोस्टिल बदलने की बहुत सारी विधियाँ हम इसमें आपको बताएंगे, जैसे कि अपोजिट आर्मपिट पे प्रेशर देने से दूसरी वाली नाड़ी खुल जाती है। जैसे अभी समझो कि राइट नोस्टिल मुझे चालू करनी है काम के लिए, रिटर्न जर्नी कर रहा हूँ मैं, रिटर्न जर्नी राइट नोस्टिल में अच्छी होती है, लंबी मुसाफरी लेफ्ट नोस्टिल में अच्छी होती है, रिटर्न जर्नी जो होती है घर में वापस जाने की राइट नोस्टिल में अच्छी होती है। अगर मेरी लेफ्ट चल रही है और मुझे राइट चलानी है ताकि मैं जल्दी घर पहुंचूं, तो इसकी छोटी सी विधि है, इसको आदि मुद्रा कहते हैं। पहले अंगूठे को दबा लो, फिर चारों उंगली रख दो, फिर इसको अपनी लेफ्ट आर्म पिट के अंदर बगल में ऐसे दबा दो। अभी ऐसे दबाने से क्या होगा, थोड़ा टाइम ऐसे बैठेंगे तो राइट नोस्टिल चल जाती है और फिर राइट नोस्टिल की जो रिलेटेड एक्टिविटी है उसको हम कर पाएंगे। तो जो भी नोस्टिल चलनी है उसकी अपोजिट वाली आर्म पिट पे ऐसे अपने को प्रेशर देना है तो हम नोस्टिल को बदल सकते हैं। नोस्टिल को बदलने के लिए दो बहुत सरल प्राणायाम है, एक को कहते हैं चंद्रनाड़ी भेदन प्राणायाम। चंद्रनाड़ी भेदन प्राणायाम चंद्रनाड़ी को खोलने के लिए, इसमें क्या करना है आपको, सूर्यनाड़ी से श्वास लेना है और चंद्रनाड़ी से छोड़ना है और इसी को रिपीट करना है। सूर्यनाड़ी से लेना है, चंद्रनाड़ी से छोड़ना है, सूर्यनाड़ी से लेना है, चंद्रनाड़ी से छोड़ना है। इस प्रकार के प्राणायाम को चंद्रनाड़ी भेदन प्राणायाम कहते हैं और इससे चंद्रनाड़ी खुल जाती है। इसी का विरुद्ध, अगर आपको सूर्यनाड़ी खोलनी है तो चंद्रनाड़ी से श्वास लेना है, सूर्यनाड़ी से छोड़ना है, चंद्रनाड़ी से श्वास लेना है, सूर्यनाड़ी से छोड़ना है। ऐसे एक 20-25 बार करने से सूर्यनाड़ी भेदन हो जाएगा, तो इसको सूर्यनाड़ी भेदन प्राणायाम कहते हैं। इसके अलावा हमारे गांव-गांव में, हिंदुस्तान की संस्कृति में बहुत छोटे छोटे चमत्कारिक विधियाँ माताएँ करती है। जैसे अगर छोटा बच्चा समंदर पार की मुसाफरी करने जा रहा है, उसका लेफ्ट नोस्टिल ऑन करने के लिए माताएं उसके मुंह में एक चम्मच दही देती हैं। अगर जब एक चम्मच आप दही खाते हो तो दही खाने से अपने आप ही लेफ्ट नोस्टिल चल जाती है। अगर आपने लेफ्ट पैर बाहर निकाल के समंदर पार की मुसाफरी के लिए तैयारी कर ली है तो आपको गारंटेड ही समृद्धि मिलेगी। वैसे ही कभी कभी अगर आपने को राइट नोस्टिल चलानी है तो थोड़ा सा तीखा खा लिया, लहसुन वाला खा लिया तो इमीडिएटली राइट नोस्टिल चल जाती है। तो खान पान के जरिए भी हम लेफ्ट नोस्टिल या तो राइट नोस्टिल को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक। जैसे दही है, केला है, ठंडा शरबत है, लस्सी है, ये सारी चीज़ें जो है वो लेफ्ट नोस्टिल को खोल देती है, चंद्रनाड़ी प्रभावित हो जाती है इनसे। और कुछ तीखा तमतमता खाएंगे, जैसे बटाटा वड़ा थोड़ा सा खा लिया या तो लहसुन की थोड़ी चटनी खा ली, मिर्ची वाला कुछ भी खा लिया, तो इससे आपकी राइट नोस्टिल खुल जाती है। तो आप खान पान के जरिए भी अपने नाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। ज्यादातर राइट नोस्टिल में पुरुष प्रधान होता है और लेफ्ट नोस्टिल स्त्री प्रधान होती है।
तो स्त्री पुरुष का समागम जो होता है उसमें अगर पुरुष की राइट नोस्टिल होती है तो पुरुष ज्यादा पुरुषत्व पाता है, और स्त्री की अगर लेफ्ट नोस्टिल चलती है तो स्त्री में ज्यादा स्त्रैण शक्ति आती है। तो संभोग के पूर्व अगर पुरुष थोड़ा सा चाय पी ले गर्म, और स्त्री अगर थोड़ा सा लस्सी पी ले या तो दही खा ले, तो भी ये जो पुरुष और स्त्री का जो अपोजिट पोलारिटी है वो गजब की बात बनती है। हाउ टू इनवाइट अ नोबल सोल, इसके लिए हमने एक दूसरा वीडियो चढ़ाया है, वो आप देखोगे तो इसमें इसकी गहराई में बात की हुई है। स्वर विज्ञान के चमत्कार और भी है दोस्तों, अगले वीडियो में और हाजिर होंगे आपके सामने और स्वर विज्ञान के चमत्कार के बारे में बात करेंगे। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो थम्सअप जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।